समय रहते रिश्ते को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो वो रिश्ता हमारे पास नहीं बचता है। हजारों प्रयास के बाद भी वो रिश्ता बहुत दूर चला जाता है। कारण क्या है कि एक समय उसने आपको पागलों की तरह आपकी फिक्र की है, आपसे प्रेम किया है, आप जिस भी रिश्ते में थे उस रिश्ते में उसने आपको भगवान की तरह पूजा है, परंतु समय का पहिया चलता है। समय की स्थिति ने, इंसान की दूरी ने, क्योंकि जिससे प्यार करते हैं वो उसको पागल समझकर उससे दूर भागने का प्रयास करता है। समय ऐसे चलता है कि वो इंसान भी फिर अपने आप को बदल देता है, सोच और नेचर को बदलकर फिर जब वो आगे बढ़ता है तो जो रिश्ते उसे पागल समझते थे फिर वो उसका उसको पाने का प्रयास करते हैं। परंतु दोस्तों, इस जीवन में कोई भी इंसान आपका कुछ हद तक इंतजार कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना, जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो फिर वो इंसान बदल जाता है। तो समय रहते आप अब जिस भी रिश्ते में हैं, जिसके भी साथ हैं, अच्छा रहने का प्रयास कीजिएगा, कदर कीजिएगा, वरना वो इंसान आगे निकल गया तो फिर आप उसको पाने का प्रयास करते रह जाएंगे पर वो रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। आज का विषय है मकर राशि को लेकर, जनवरी 2023 का पहला महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा, मानसिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी। पंचम भाव में मंगल मौजूद है, तृतीय दृष्टि गुरुदेव जी की है, विद्यार्थी क्या गुल खिलाएंगे, या अच्छे नंबर लेकर अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे, क्या माँ बाप को प्रसन्न कर पाएंगे, लव लाइफ कैसी चलने वाली है, मन में चिंता मानसिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्या गुरुदेव पंचम दृष्टि से आपके विवाह के कार्य को करने जा रहे हैं, क्या आप एक से दो होने वाले हैं। जिनका विवाह हो चुका है, लंबे समय से शब्दों की कड़वाहट ने रिश्ते में जो जहर घोल दिया था, क्या अब उसमें मिठास आएगा, क्योंकि आप दूसरे चरण साढ़सती के में है। तीसरा चरण आपका बहुत जल्दी 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सी चीजों में उतार चढ़ाव आया है, क्या इन सब में बदलाव आएगा, कैसा रहेगा रिश्ता, जॉब बिजनेस कैसी रहेगी, क्योंकि बुध अभी वक्री अवस्था में है और आपके द्वादश भाव में है, क्योंकि यहां पर बुध का कभी अच्छा फल नहीं होता है। तो ये तमाम विषय रहेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, मैं आपका अंशुमन शर्मा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गो माता की जरूर लिखिएगा, वीडियो कैसी लगी है ये आप जरूर बताइएगा, और क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कमेंट में जरूर कीजिएगा। मकर लगन मगर राशि, मकर राशि ये और नाम राशि, ये हमारा फलादेश तीनों पर निर्धारित रहने वाला है। एकमात्र रुझान है, बाकी आपके ग्रह की परिस्थितियां हैं। लगन की बात करें तो यहां पर शुक्र शनि मौजूद हैं। द्वितीय भाव की बात करें तो खाली है। तृतीय में आपके गुरु मीन राशि के मौजूद हैं और चतुर्थ भाव में राहु चंद्र विराजमान है। पंचम भाव में मंगल है और आपके दसवें भाव में स्थान पर केतु मौजूद है। द्वादश भाव में सूर्य के साथ बुध विराजमान है। स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत अच्छी, बहुत बेहतर रहेंगे। पुराने रोग से राहत मिलने की संभावना है, आपको इलाज मिल सकता है और आपकी परिस्थितियों में जो लंबे समय से आप शरीर की सर्वाइकल माइग्रेन इस तरह की यदि परेशानियों में लिप्त थे तो उनका आपको हल मिलने वाला है, परंतु मन में चिंता रह सकती हो किसी न किसी विषय को लेकर। थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आपकी चिंता का तुरंत समाधान होगा। विद्यार्थी पंचम भाव में मंगल मौजूद है, गुरु की तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है, तो विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने सपनों को साकार करने वाले हैं, विदेश जाने का भी संयोग बन सकता है। ध्यान लगाने की आवश्यकता है, आप गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास, सफलता आपके सामने है, पर ध्यान दीजिएगा लव लाइफ अच्छी नहीं चलने वाली है। आवेश और क्रोध आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, गुस्से पर नियंत्रण रिश्ते को मजबूत करेगा वरना रिश्ता आपका बिगड़ सकता है। पंचम दृष्टि से गुरुदेव आपके रिश्ते की तरफ देखने का प्रयास कर रहे हैं। मांगलिक कार्य की संभावना है, आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। जनवरी के महीने में आपके विवाह की कोई बात चल सकती है,
जिनका विवाह हो चुका है, लंबे समय से चल रही कड़वाहट अब मिठास का भी काम करेगी। दूसरे चरण की साढ़सती आपकी समाप्त होने जा रही है। दो चरण जो होते हैं बड़े, सबसे ज्यादा घातक होता है साढ़सती का पहला चरण, बिरला निकलते हैं उसके अंदर से। दूसरा चरण थोड़ा कम हो जाता है और तीसरा और भी कम हो जाता है। तीसरा चरण आपका 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाला है। शुक्र शनि की सातवीं दृष्टि आपके रिश्ते पर पड़ रही है। पुराने मतभेद दूर होंगे, रिश्ते में मिठास आएगा और आप हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जॉब की बात की जाए दोस्तों, जॉब की स्थितियां जैसे पहले की परिस्थितियां थी, काम में मन नहीं लगता था, उच्चाटन रहता था, मन बेचैन रहता था, शरीर मजबूत नहीं था, शरीर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। अब आपका शरीर भी ठीक होगा और आपका काम करने में मन भी करेगा। आपको शाबाशी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति के योग हैं। आपकी मेहनत की कदर होगी, परंतु जॉब का परिवर्तन अभी मत कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं तो ये परिवर्तन आपको समस्या में डाल सकता है। लंबे समय से यहां पर आपने मेहनत की, फल अब आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा तो भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। बिजनेस की बात की जाए, अभी बुध वक्री अवस्था में है, आपके द्वादश भाव में सूर्य के साथ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में खर्चों की परिस्थितियां हैं, क्योंकि राहु भी मौजूद है आपके चतुर्थ भाव में, तो यहां पर मशीनरी, मकान इत्यादि पर खर्च बढ़ सकता है। आय भी होगी, आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। यदि खर्चों पर आप नियंत्रण करते हैं तो आपकी समस्या कुछ कम हो सकती है, परंतु अनावश्यक परिस्थितियां आपको मानसिक चिंता देने का प्रयास करेंगी, परंतु घबराइएगा मत, क्योंकि आपके भाग्य में अब परिवर्तन का संयोग है। 17 जनवरी के बाद आपकी अनावश्यक स्थितियां अच्छे की तरफ जाने का पूरा पूरा योग बनता है, तो आप मेहनत कीजिएगा और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बिजनेस में दोस्तों अगर बात की जाए, रोजमर्रा जो काम करते हैं दिहाड़ी मजदूरी, उनकी कमाई में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। तेल, लोहा, कोयला, तो जो शनि से संबंधित कार्य हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि जब गोचर करेंगे, यहां पर आपके कार्यों में, व्यवसाय में बढ़ोतरी देंगे, आपको लाभ की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शनि बनता है। तो जब धनेश ही धन के स्थान में आकर बैठ जाए तो ये समझ लीजिए दोस्तों, जिंदगी में चार चांद लगने की अवस्था है। बस थोड़ा सा इंतजार। और हां दोस्तों, 14 से और 17 के बीच में कोई बड़ा निवेश, कोई बड़े जिम्मेवारी लेने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य शनि की युति बनेगी द्वितीय भाव में। अनावश्यक खर्चा और किसी को पैसे के लेन देन में आपको समस्या हो सकती है। किसी की जिम्मेवारी मत लीजिएगा, वो जिम्मेवारी आपको महंगी पड़ सकती है, आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है, तो यहां पर आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इसके बाद आपकी स्थितियां, 17 जनवरी को शनि यहां से द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो आगे समय तकरीबन धीरे धीरे आपकी स्थितियां आपके हित में चलने के संयोग हैं। कॉन्फिडेंस को मत तोड़िएगा, मजबूती रखिएगा, क्योंकि दोस्तों करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। आप सभी ने यह चीज जरूर बचपन में पढ़ी होगी कि अभ्यास एक ऐसी चीज होती है, विश्वास एक ऐसी चीज होती है, पत्थर से रस्सी कमजोर होती है पर पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। तो इंसान रस्सी से मजबूत होता है, तो अपना विश्वास वैसा ही बनाइएगा, कहीं ना कहीं आपका विश्वास रंग लेकर जरूर आएगा। उपाय की बात करते हैं, शनि का थोड़ा सा प्रभाव आपके हित में नहीं है। शनि को प्रसन्न करने का, सर्वप्रथम तो मां की आराधना कीजिएगा, मां को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा, जन्म देने वाली मां का। उसके बाद दोस्तों कपूर में यदि नारियल का तेल मिलाकर डेली सिर पर लगा जाए तो इससे भी शनि के जो है कुदृष्टि समाप्त होती है और
शनि दशरथ के स्तोत्र का पाठ किया जाए तो शनि देव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप करके देखिएगा, रिजल्ट अद्भुत है। प्रैक्टिकली ये विश्वास है कि आप यदि दशरथ कीर्त का नित्य पाठ करते हैं, महज 5 से 10 मिनट का ये कार्य है और आपको बड़ी धन दौलत से नवाज सकता है, क्योंकि शनि ने खुद में ये वरदान में दिया हुआ है दशरथ महाराज को कि जो इसका पाठ करेगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से कभी भी नहीं नवाजूंगा, बल्कि और भी ग्रहों की जो कुदृष्टियां हैं वो भी अच्छी दृष्टि में तब्दील होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, किसी गरीब का पैसा मत मारिएगा। अक्सर सोचिएगा कोई गरीब इंसान आपके पास आता है तो यदि आप उसे 10 की चीज लेते तो कोशिश करिएगा उसको 2-3 रुपए ऊपर देने की। उसके हृदय से निकली हुई दुआ आपको आवाज कर सकती है, और गरीब का पैसा जो मारा वो बद्दुआ बर्बाद कर सकती है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिएगा। अंत में वही संदेश, जरूरतमंदों की सेवा कीजिएगा, गरीबों की मदद कीजिएगा, गाय माता को हरा चारा और गुड़ या रोटी जो आपकी स्थिति बनती जरूर दीजिएगा। वानर सेना की भी सेवा कीजिएगा, मकर राशि पर बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबका भला हृदय में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, किसी से द्वेष किसी से ईर्षा मत रखिएगा, ईश्वर आपके साथ चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, एक निवेदन आपसे, कमेंट में जय गौ माता की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट में भी दे सकते हैं।